हेलो एंड वेलकम टू सिंपली सॉफ्ट स्किल्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन का 65% हिस्सा वो होता है जिसमें वर्ड्स नहीं होते हैं। अगर आप बिना बोले 3 सिंपल ट्रिक से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, बात हो रही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जो हमारे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है पर जिसे हम सबसे कम अटेंशन देते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे हैंड जेस्चर्स, ये सारे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी 3 ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप भी अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो कुछ दिन पहले की बात है, मेरा 6 साल का नेफ्यू मेरे पास आया और उसने कहा, मामा वो आपका फ़ोन चाहिए, मम्मी मांग रही हैं। मैंने कहा, पक्का मम्मी मांग रही हैं, तुमको गेम्स खेलने हैं। एंड देन ही वॉज लाइक, मैं तो कैसा निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान, बजाओ मेरी मम्मी मेरी बजा। जी हाँ, बात हो रही है आई कॉन्टैक्ट की। जब भी हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो हमको इंश्योर करना है कि हमारा उनके साथ आई कॉन्टैक्ट बना रहे। अगर हमारा आई कॉन्टैक्ट मिसिंग होता है तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मे बी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मे बी हम कुछ छुपा रहे हैं, मे बी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, और इनमें से किसी भी केस में हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। सपोज मैं ये वीडियो बनाते वक्त इधर देख रहा हूँ या फिर इधर देख रहा हूँ, क्लियरली आपको मेरे और अपने बीच एक डिस्कनेक्ट लगेगा। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाइल वी आर मेकिंग वीडियोज ऑल्सो वी आर लुकिंग एट द लेंस ऑफ द कैमरा, वी आर नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन इफ वी आर यूजिंग द फ्रंट कैमरा। अ स्माइल इज अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, मैं एक मिठाई की शॉप में गया। दुकानदार परेशान था कि वो अपने सारे कस्टमर्स को कैसे हैंडल करे। तभी मैंने देखा कि एक अंकल काउंटर पे गए और उन्होंने दुकानदार से कहा, सर क्या मैं आपको 500 रुपये का चेंज देने का कष्ट दे सकता हूँ? दुकानदार ने उनकी तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ सर क्यों नहीं, और तुरंत उनको 500 के चेंज दे दिए। अगर हम बात करते करते स्माइल करते रहते हैं तो इट्स लाइक अ सिग्नल that we are interested in that conversation, और इसीलिए सामने वाला इंसान भी उतनी ही शिद्दत से conversation में participate करेगा। और हाँ, प्रिया वॉरियर की smile तो आपको याद ही होगी। मान लीजिए कि आप कार खरीदने जाते हैं और salesman आपसे पूछता है, सर कौन सी कार लेना चाहेंगे, या फिर सर कौन सी कार लेना चाहेंगे। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। पहले केस में हिज बॉडी लैंग्वेज इज क्लोज्ड। जब भी हमारी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड होती है ना, तो इसके भी कई सारे इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, जैसे मे बी वी आर नॉट कॉन्फिडेंट या मे बी वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ओपन बॉडी लैंग्वेज व्हाइल वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, आवर कलीग्स एंड एवरीवन एल्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी 3 ट्रेट्स, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की, जिनकी मदद से हम अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अपने आने वाले वीडियोस में भी हम कुछ इस टाइप की ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे जिनसे हमारी पर्सनैलिटी और अच्छी हो सके। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि व्हाट इज़ योर फीडबैक। आई विल बी वर्किंग अपॉन एवरी फीडबैक दैट इज़ गिवन टू मी। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पर जैसा मैंने कहा था, इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या जो अपनी सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। टिल देन, सी या।